झटपट बनना है सोयाबीन की सब्जी। हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन की सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और तो मैंने सोयाबीन सब्जी बनाने के लिए, सिर्फ दो जनों के लिए बन रही है, तो मैंने एक कटोरी सोयाबीन ले लिया, जिसे मैंने 5 मिनट इसे भिगो दिया है धो के। और ये एक टमाटर ले लिया है, ये 3 प्याज ले लिए, बहुत छोटी छोटी है, अगर आपके पास बड़ी है एक ही डाल है। और ये है 8 से 10 लहसुन की कलियां। अब हम इन सबका इकट्ठा पेस्ट बना लेंगे। तो हम इसको बड़ा बड़ा काट के मिक्सी जार में डाल लेते हैं। तो मैंने सारी चीज इसमें डाल दी है। अब सोयाबीन का हम उसका पानी निचोड़ देंगे। तो मैंने सोयाबीन से सारे ही पानी निचोड़ दिया है और हमारा मसाला भी अच्छे से पिस गया है। अब हम सोयाबीन को थोड़ी सा फ्राई करेंगे। मैंने कढ़ाई गैस पे रख दी है, इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा डाल दिया है। अब हम अपनी सोयाबीन इसमें फ्राई करेंगे जब तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सोयाबीन बड़ी डालेंगे। मिला लेते इसे मैं तब तक फ्राई करना जब तक ये हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता। सोयाबीन हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब मैं इसी में फिर से तेल डालूंगी। ये देखिए मैंने इसमें तेल डाल दिया है। अब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें तेज पत्ता और जीरा डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, ये देखिए मैंने दोनों एक साथ ही डाल दिए है। अब हम इसमें पिसा हुआ मसाला डालेंगे। ये देखिए मैंने मसाला इसमें डाल दिया है, मिला लें। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्ची, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। मिला लें इसे। अब हमें इसे तब तक भूनना है जब तक मसाला हमारा ऑयल ना छोड़ दे। तो हम 2-3 मिनट का वेट कर लेते हैं। हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, देखिए। अब हम इसमें डालेंगे सोयाबीन बड़ी, मिला लें इसे। मैंने 1 गिलास पानी ले लिया, अब हम इसमें पानी डालेंगे। अब हमने इसमें पानी डाल दिया है, अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार ही इसमें नमक डालें। मिला लें इसे। अब हम इसे 3 मिनट और पकाएंगे, 2 से 3 मिनट। सोयाबीन हो गई है, ये अच्छे से फूल भी गई है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, मैंने इसमें धनिया पत्ती डाल दी है, मिला लें। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। हमारी सब्जी बनके तैयार है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।